पास ये कपड़े बचे हुए जो मेरे पास अब थे, इससे ज़्यादा मेरे पास सब कुछ नहीं बचा। बच्चों के पास ही वही कपड़े हैं जो उनके पास पहले थे, जो उन्होंने ऑर्डर रखे थे या पैर रखे थे, और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। अच्छे मस्त सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। जिस घर में बजनी थी सहनाई, आज वहां पसरा हुआ है मरघट सा सन्नाटा। हर तरफ खून के आंसू, रोती आंखें और लूटे पीटे लोग। वह मोहम्मद रफी जो दो ट्रैक्टर ट्राली का मालिक था और जिसके थे अपने ट्रक, आज जलकर खाक हो चुके हैं। सिर्फ बचे हैं उनके तन पर एक जोड़ी कपड़े या आंखों में बची है आंसुओं की कुछ सूख चुकी बूंदें। वकीला खुद भी रोती है और अपने बच्चे को रोने से करती है मना। आज उनके घर आ रहा है दयालु लोगों के द्वारा भेजा गया खाना। हम बात करते हैं उन 14 परिवारों की जिनके कल तक राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बने हुए थे और जो हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। यहाँ तक कि वकीला की बेटी ने जुडिशल की परीक्षा के पहले सेमेस्टर को पास किया हुआ था। परिवार अभी खुशियाँ भी नहीं मना पाया था कि कुदरत का कहर टूट पड़ा। एक बेटी की शादी होनी थी और उस परिवार में बेटी की शादी के लिए तिनका तिनका करके जोड़ा था दहेज का सामान, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लेकर वह सब जलकर राख हो चुके हैं। नुकसान फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन, दो मोटरसाइकिल, तीन साइकिल, हर घर का जो कपड़ा लगता, बैट वगैरह, मतलब सुई तक सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। बस सरकार से यही उम्मीद है कि या तो हमें कहीं ना कहीं आसरा दिया जाए या हमारे को इसी स्टैंड में हमारी कोई मदद करी जाए। बड़े बड़े धन्ना सेठों की सरकार सबकी मदद करती है, लेकिन हम जैसों की का नंबर कब आएगा, हम अपने इंतजार में बैठे। मेरे साथ में ये जितने 16 राशन कार्डों के परिवार हैं उनकी भी आवाज़ है, उनके घर भी नुकसान हुए हैं। उस टाइम तो बुझ गए थे, जलते 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 हमने ध्यान नहीं करा, गया बुझ तो गई, इतना हम खाना खाने के लिए निकले। यहाँ तक कि गाय, बकरी जैसे पशु आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। जब 8 गैस सिलेंडर आग के हवाले होकर फट रहे थे तो मंजर ऐसा था जैसे जंग के हालात बन गए हों। गनीमत है किसी इंसानी जान पर नहीं बनी, लेकिन जब तक वो जिएंगे अपनी खुशहाली की जलती हुई होली को याद करते रहेंगे। अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी अभी तक उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। याद रहे कि बीते दिन आग के तांडव ने जीटी रोड के इस प्लाट में सब कुछ जलाकर खत्म कर दिया था। आज जिंदा बचे हैं तो कुछ शरीर या उनके बेबस होकर जले अरमान। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.